अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी वीडियो लिप एंड चिक टिंट पे होने वाली है और वो मैं लिप एंड चिक टिंट बनाने वाली हूँ इंस्पायर्ड बाय नताशा बकास। उनकी मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आसान वे में और बहुत ही ऑर्गेनिक सा उन्होंने लिप एंड चिक टिंट बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई किया जाए, बिकॉज मुझे टिंट वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी हम वो टिंट बनाएंगे और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, आप देख सकते हैं बारिश हो ही जा रही है, कभी धूप निकल आती है कभी बारिश हो जाती है, 5 मिनट धूप निकलती है आधा घंटा बारिश होती है। मौसम तो प्यारा हो गया लेकिन हमारी गली में बहुत ही ज़्यादा पानी भी खड़ा हो गया। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बनाते हैं फिर लिप एंड चिक टेंट। सो गाइस, मैंने वो चीज़ें ले ली हैं जो नताशा बकास ने अपनी वीडियो में इस्तेमाल की थी। सबसे पहले तो चुकंदर है, चुकंदर थोड़ा सा सुकड़ गया, आप ताज़ा ले लीजिएगा, इसमें से ज़्यादा जूस नहीं निकलेगा। और मैंने लिया है रोज़ वाटर, एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, ये मैंने मेडिकल स्टोर से ली थी, और एम्प्टी जार जो कि मैंने धो के रखा हुआ है, जब तक मैं टिंट बनाऊँगी तब तक ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। और अभी मैं चुकंदर को पील कर लूँगी, चुकंदर मैंने पील कर लिया और छोटे छोटे पीसेस इसके कर लिए, मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये वाटरी फॉर्म में आ जाए। गाइस, बीटरूट अच्छे से ग्राइंड हो गया है और अब मैं इसे अच्छे से स्टेन कर लूँगी ताकि इसका जूस और पल्प दोनों सेपरेट हो जाए। और मैं आपको बताती जाऊँ, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था बिकॉज हमारे ग्राइंडर में बगैर थोड़ा सा पानी डाले हुए चीज़ ग्राइंड नहीं होती। अब मैं इसको स्टेन कर लेती हूँ। सो गाइज़, मैंने चुकंदर को अच्छे से छान लिया था, अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पका लूँगी, तब तक पकाऊँगी जब तक ये आधा नहीं हो जाता इससे। सो गाइज़, मेरे पास 1.5 चम्मच बीटरूट जूस बचा था पकाने के बाद, और इसमें मैं अर्के गुलाब भी 1.5 चम्मच ही डालूँगी, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन का डालूंगी, मैं साथ साथ ही चीज़ें मिक्स किए जा रही हूँ अच्छे से। और ग्लिसरीन डालने के बाद मैं इसमें अब डालूंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी बिकॉज मुझे थोड़े थिक फॉर्म में चाहिए था, और एलोवेरा जेल डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको एम्प्टी जार में डाल लिया था। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, और ठंडा होने के बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई करके इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। सो गाइस, टिंट मैंने फ्रिज में रखा था और ये अब ठंडा हो गया, अभी मैं इसको फेस पे अप्लाई करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसका रिज़ल्ट चेक करने के लिए कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है, कैसा आएगा। तो अभी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। सो गाइस, ये बहुत ज़्यादा वाटरी फॉर्म में है, मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा एलोवेरा जेल भी डाली है लेकिन फिर भी ये थोड़ा थिक नहीं हुआ था, तो मुझे कोई कलर नहीं नज़र आ रहा अपनी चीक पे। जैनब, आपको नज़र आ रहा, मतलब टिंट की तरह नहीं आ रहा ना, तो शायद ये थोड़ी देर बाद इसका कलर आए, बिकॉज बीटरूट का अक्साइड थोड़ी देर बाद कलर ज़्यादा होता है, तो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगी इसको, ठीक है, और आपको भी दिखाऊंगी। गाइस, टेंट मैंने काफ़ी देर तक लगाया लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरी चीक्स पे कोई कलर नहीं आया। मैं ये नहीं कहती कि उनका टोटका ख़राब था, ये भी हो सकता है कि मेरे पास चीज़ें ठीक ना हों या फिर मेरे चुकंदर में कलर ना हो, कलर तो खैर है था, हो सकता है कि कोई क्वान्टिटी का मसला हो गया हो, मैंने चीज़ें ठीक से डाली ना हो, ये भी हो सकता है। और मेरी एक्नी प्रोन स्किन है, मैं अभी अपनी कज़न के अप्लाई करती हूँ, ये छूतूशी मेरी कज़न है, खाला की बेटी, आपने बहुत देर पहले से वीडियो में देखा होगा, इसके चीक्स पे अप्लाई करती हूँ और देखते हैं कि इसके कलर आता है या नहीं आता।
सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसकी मतलब हल्की हल्की महरून कलर की चीक्स हो गई हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि नताशा वकास मेरी ये वीडियो ज़रूर वॉच करेंगी, बिकॉज जब भी हम उनकी कोई इंस्पायर्ड वीडियो करते हैं या फिर उनको टैग करते हैं तो वीडियो ज़रूर वॉच करती हैं और मुझे ज़रूर बताएंगी कि मेरी क्या मिस्टेक थी जो मेरा टिंट ठीक नहीं बना। और इंशाल्लाह मैं दोबारा भी ट्राई करूँगी। मैंने पहले मरियम परवेज़ का टिंट ट्राई किया था तो वो टिंट काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन मेरी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, मुझे उससे एक्नी हो गई थी। मेरी कज़न की ड्राई स्किन है, मैंने वो टिंट अपनी कज़न को दिया था तो वो टिंट उसके बिल्कुल ठीक रहा था। तो अभी ये वाला टिंट, लेकिन ये मैं एज़ आ फेस सीरम भी यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज बीटरूट हमारी स्किन पे काफ़ी अच्छी ग्लो भी लाता है। एंड अल्लाह हाफिज़ गाइज, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।